रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर प्रेस क्लब की एक अहम बैठक पत्रकार कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश कंवर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी दिनों के लिए प्रेस क्लब की रूपरेखा भी तैयार की गई, तो बैठक में पत्रकार कक्ष की खस्ता हालत पर भी चिंता जाहिर की गई। इसके अलावा बैठक में प्रेस क्लब भवन के लिए शहर में जमीन तलाशने का एजेंडा भी रखा गया। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पत्रकारों से किए गए वायदे को पूरा करने की मांग की गई, जिसमें प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में पत्रकारों को लैपटॉप देने का वायदा एक साल पहले किया था। हमीरपुर प्रेस क्लब की अहम बैठक पत्रकार कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश कंवर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी दिनों के लिए प्रेस क्लब की रूपरेखा तैयार की गई, तो बैठक में पत्रकार कक्ष की खस्ता हालत पर भी चिंता जाहिर की गई। इसके अलावा बैठक में प्रेस क्लब भवन के लिए शहर में जमीन तलाश करने के लिए एजेंडा रखा गया। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पत्रकारों से किए गए वायदों को पूरा करने की मांग भी की गई, जिसमें प्रदेश भर में पत्रकारों को लैपटॉप देने का वायदा एक साल पहले किया हुआ था। प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने बताया कि हमीरपुर प्रेस क्लब की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों की समस्या पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रेस क्लब भवन के लिए जगह तलाश करने के लिए सभी पत्रकारों से सलाह मशवरा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी पत्रकारों को लैपटॉप दिए जाने के वायदे को पूरा करने के लिए मांग की गई। बैठक में प्रेस क्लब के उप प्रधान अनिल शर्मा, महासचिव पंकज भारती के अलावा वरिष्ठ सदस्य राजकुमार, अरविंदर सिंह, नीलकांत, जसवीर कुमार, राकेश पाल, विशाल, सुशील, उमेश कुमार, मुकेश, कमल कृष्ण इत्यादि मौजूद रहे। प्रेस क्लब हमीरपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें प्रेस क्लब की समस्याओं को, जिसमें प्रेस रूम की जो दुर्गति है इसको सुधार के लिए प्रशासन और सरकार से इसको ठीक करने के लिए मांग किए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रेस क्लब अपने जो स्पोर्ट्स कमेटी है उसका गठन किया गया है, जिसके लिए मुकेश जी को उसका कोऑर्डिनेटर बनाया है। वो जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में समय समय पर अवगत करवाएंगे और उनकी रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही प्रेस क्लब के सदस्यों ने ये भी निर्णय लिया है कि वो महीने में एक बार फैमिली गेट टुगेदर करें, ताकि पारिवारिक सामंजस्य भी सदस्यों में बने। साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय था, एक ज़मीन का है, दूसरा प्रेस के लोगों के साथ जिला प्रशासन का जो भेदभावपूर्ण रवैया शुरू हो गया है उसको लेकर सब सदस्य काफ़ी चिंतित थे। उनको शायद दो या तीन लोग हैं जिन्हें जो दूर से आते हैं और गाड़ी लेकर आते हैं, उन्हें पार्किंग में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कोई नया नोटिफिकेशन जिलाधीश महोदय ने निकाला है, उससे समस्याएं आई हैं। और पुलिस प्रशासन ने जो मीडिया के साथ संपर्क बना रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया है। उसका कारण बताए बिना कि उनको क्यों निकाला गया है, जबकि वो पत्रकार अपने अपने अखबारों और चैनल्स के लिए पर्टिकुलरली पुलिस बीट देखते हैं, तो इसलिए उनको निकाल देने से उनकी सूचनाएं जो हैं उन तक नहीं पहुंच रही हैं। वैसा वैसा जिलाधीश जो का जो संपर्क है पत्रकार समुदाय के साथ, वो DPRO के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू है। तो ये भी एक निर्णय लिया गया है कि जिलाधीश महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों को कहा जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि जो लोग उन्होंने निकाले हैं उनको पुनः उसमें शामिल किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है हमारे पत्रकार फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही सदस्यों ने ये भी जानना चाहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने, कोई एक साल हो गया है इस बात को, उन्होंने पत्रकारों को लैपटॉप देने का वादा किया था, तो अभी तक किसी भी पत्रकार को शायद ये लैपटॉप्स जारी नहीं हुए हैं, ना जिला स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर। तो ये भी एक मांग है सरकार से कि वो अपने वादों को निभाने का प्रयास करे और पत्रकारों को जो वो सुविधा देने का एक उन्होंने बीड़ा उठाया है या वादा किया है उसको पूरा करें। ऐसा तो नहीं सर प्रेस से भेदभाव कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है किसी भी जगह, ऐसा नहीं है प्रेस से भेदभाव वाली बात नहीं है। वो तो तब होता अगर उन्होंने ये कहते कि अपने गृह जिला मंडी में पत्रकारों को लैपटॉप बांट दिए हैं और वहाँ नहीं बांटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारों को पूरे प्रदेश में ही लैपटॉप नहीं मिले हैं, लेकिन पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मुँह से निकला ये वादा कब पूरा होगा।